Hello students, here is the explanation of the chapter A Special Request. ये जो chapter है इसमें एक party का description दिया हुआ है. एक बहुत ही grand event यहाँ organize किया गया था Jacob and Sheila Johnson की golden jubilee का, उनकी 50th marriage anniversary का. यहाँ पर एक function पार्टी चल रही है और इस पूरी पार्टी का ही डिस्क्रिप्शन हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. ये जो पार्टी है ये ह्यूज गैदरिंग है. टोटल 76 लोगों को यहाँ पर बुलाया गया है और इस पार्टी में जो सबसे कम एज का है उस पर्सन की एज 12 साल है और जो सबसे ज़्यादा एज के हैं उनकी एज है 93. मीन्स 12 साल से लेकर 93 ईयर्स तक के लोग इस पार्टी में यहाँ पर हैं. बहुत ही ह्यूज अफेयर है, बहुत ही बड़ी पार्टी है. दूर दूर के रिलेटिव्स को भी, रिश्तेदारों को भी यहाँ पर बुलाया गया है. काफ़ी ग्रैंड इवेंट है. जो जैकोब एंड सीला जॉनसन के बेटे हैं उन्होंने क्या किया है, उनके फेवरेट म्यूजिशियन, फेवरेट जो उनके सिंगर हैं इन्हें यहाँ पर बुलाया गया है ताकि इस पार्टी को बहुत अच्छा बना सके. और उनकी अशोक भट्ट नाम के जो फेमस सिंगर हैं उनको अशोक सीला जॉनसन के बेटे ने एज अ बर्ड उनकी एनिवर्सरी के गिफ्ट के रूप में उन्हें यहाँ पर बुलाया है. जो अशोक भट्ट हैं वो सिर्फ एक सिंगर ही नहीं है, वो लिरिसिस्ट भी हैं, कॉमेडियन भी हैं. वो खुद ही अपने सॉन्ग्स को लिखते हैं और कॉमेडी भी करते हैं. तो पार्टी स्टार्ट होती है, सब लोग गैदर होते हैं, अशोक भट्ट की एंट्री होती है. फिर वो जो 12 साल के दो ट्विंस हैं, दो भाई बहन हैं सैले एंड ट्रिनी, ये दोनों जन मिलकर अशोक भट्ट के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि आप हमारी एक रिक्वेस्ट पूरी करेंगे. तो बच्चे समझ कर अशोक भट्ट भी कहते हैं कि हाँ क्यों नहीं, बताओ तुम्हारी क्या रिक्वेस्ट है. तो वो दोनों बताते हैं कि हम चाहते हैं कि जो हमारे ग्रेट ग्रैंड फादर हैं आप उन्हें हंसा दें पार्टी में. जो हमारे ग्रेट ग्रैंड फादर हैं हम चाहते हैं कि आप ऐसा कुछ करें कि वो हंसने लगे, वो खुश हो जाए. अशोक भट्ट कहते हैं ठीक है, वो बच्चों की एक हम्बल रिक्वेस्ट समझ कर मान जाते हैं और कहते हैं ठीक है मैं रेडी हूँ. फिर पार्टी स्टार्ट होती है. अशोक बहुत सारे सॉन्ग्स, बहुत सारी कॉमेडी सब कुछ करते हैं और बार बार वो और उनकी इतनी ज़्यादा कॉमेडी करने की वजह से कुछ लोग तो हंसी के कारण ज़मीन पर ही गिर जाते हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं. बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, सभी हर एज के लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आता है क्योंकि अशोक भट्ट को पता है कि उन्हें सबको कैसे ओवरऑल इंटरटेन करना है. इतना सब कुछ करने के बाद भी अशोक की नज़रें जो जाती हैं वो ग्रेट ग्रैंडफादर के ऊपर जाती हैं जो सामने ही एक व्हील चेयर पर बैठे हुए हैं. तो अशोक उनको देखते हैं लेकिन उनके फेस पर कोई रिएक्शन नहीं था, ना हंसने का ना दुख का, किसी भी तरीके का कोई भी रिएक्शन उनके फेस पर नहीं था. अशोक टेंस्ड हो जाते हैं क्योंकि अब उनके पास कुछ करने के लिए बचा नहीं था. वो जितना जो कर सकते थे अब उन्होंने अपना 100% नहीं 200% वो ऑलरेडी दे चुके थे. तो एक तरीके से वो परेशान होने लगते हैं कि अब वो क्या करें. उतने में ही क्या होता है, डिनर अनाउंस हो जाता है और सभी लोग खाने के लिए चले जाते हैं और ये सारा मैटर ओवर हो जाता है. लेकिन अशोक के माइंड में बस बार बार यही चीज चल रही है कि मैं इतना फेमस, इतना अच्छा कॉमेडियन हूँ, इतना अच्छा सिंगर हूँ, लेकिन फिर भी मेरे इतना सब कुछ करने के बाद भी इनके फेस पर जरा सी भी स्माइल नहीं आई. पार्टी ओवर होती है. अब इनके जो बड़े बेटे हैं जिन्होंने अशोक भट्ट को इनवाइट किया था वो अशोक भट्ट को ऑफर करते हैं कि चलिए मैं आपको आपके घर तक ड्रॉप कर देता हूँ. अशोक भट्ट भी उनको हाँ बोल देते हैं. तो उनके जो बेटे हैं बड़े वाले वो अशोक भट्ट को ड्रॉप करने के लिए चले जाते हैं. अब गाड़ी में बात होती है तो जो बेटे हैं उनके बड़े वाले वो अशोक भट्ट को थैंक यू बोल रहे हैं कि थैंक यू, रविकांत नाम है उनके बेटे का, वो थैंक यू बोल रहे हैं कि आपने हमारी पार्टी को बहुत ही अच्छा बना दिया, उसके लिए आपका बहुत ज़्यादा थैंक यू. लेकिन अशोक भट्ट कहते हैं कि मैंने सब कुछ किया बट मुझे एक चीज़ का बहुत गम है कि मैं आपके ग्रेट ग्रैंड फादर को नहीं हंसा पाया, उनके फेस पर कोई भी रिएक्शन नहीं ला पाया. वो जो ट्विंस थे उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट भी की थी कि हम उनके ग्रेट ग्रैंड फादर को हंसा दें. ये बात सुनते ही रविकांत बहुत तेज तेज हंसने लगते हैं और सडनली गाड़ी का ब्रेक लगाते हैं और गाड़ी को रोक देते हैं. उनका एकदम से हंसना सुनकर अशोक भट्ट शॉक रह जाते हैं और कहते हैं मैंने कोई मजाक किया क्या, मैंने ऐसा कुछ कहा क्या. तो फिर रविकांत उन्हें बताते हैं कि अरे बच्चों ने आपके साथ मजाक किया है, आपकी उसमें कोई गलती नहीं है, वो ग्रेट ग्रैंडफादर है ही नहीं, वो तो उनका वैक्स स्टैच्यू है. हमने सिर्फ उसको इसलिए बनवाया था ताकि हमारी फैमिली फोटो कंप्लीट हो सके, इसलिए हमने उनका वैक्स स्टैच्यू बनवाया था, वो रियल में वो पर्सन है ही नहीं. ये बात सुनकर अशोक भट्ट एकदम से सरप्राइज प्लस शॉक रह जाते हैं. उनकी समझ में नहीं आता है कि वो कैसा रिएक्शन दें क्योंकि उनकी लाइफ में इस तरीके का फूल उन्हें पहली बार बनाया गया था. तो दिस इज द स्टोरी अ स्पेशल रिक्वेस्ट दैट हाउ टू ट्विंस मेड फूल और मे बी बाय देयर इनोसेंस दे जस्ट पजल्ड अ कॉमेडियन, अ सिंगर, अ म्यूजिशियन एंड
He got amused by their